यार अभी ना हमें मस्ती छाई है। मैं अपना हेयर स्टाइल दिखा रही थी कृष्णा को कि देख मेरे बाल कितने अच्छे हुए। कहती दीदी मेरे भी काट दो। मैंने कहा पक्का काट दूँ, इसके बाल इतने लंबे हैं यहाँ तक। कहती आप काट दो जैसे भी अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं इसके बाल काटने वाली हूँ। बिफोर दिखा देती हूँ कैसा है, एक सेकेंड। ये देखो इसके बिफोर इतने लंबे बाल है, आफ्टर इसके बाद दिखाऊंगी कि कैसी शक्ल बनी है इसकी। ठीक है कृष्णा, क्या तुम तैयार हो? थम्स अप दिखा मुझे ऐसे कर ऊपर। यस, तब ठीक है, ताकि लोगों को ये ना लगे ना कि जबरदस्ती काट रही तेरे बाल। यही इनफैक्ट यही मुझे जबरदस्ती लेके आई है कि दीदी मेरे बाल काट दो। कृष्णा अच्छा लगा तुझे? बांध ले अब, कर ले तुझे जैसे करने। कैसे तू बता, तुझे कैसे लगे? चलो जी, घर बैठे बैठे हेयर कट भी हो गया तेरा। यार हमने ऐसे घर पे बाल काटने लग गए और नीचे थोड़ा बहुत अखबार तो बिछाया था, बट वो सारे में बाल फैल चुके हैं। मैं कृष्णा को कह रही हूँ फटाफट से साफ कर ले, इससे पहले हम दोनों की क्लास आए और मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझ पे भी थोड़े बहुत बाल तो गिरी गए, पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे बाल आ गए। पर फ्रेश होती हूँ। क्या चप्पल कहाँ है मेरी? ये तुम्हारी चप्पल नहीं है, तो मम्मी की पहन के आई हो। चल जल्दी से इसको बंद करो और सारे सबूत मिटा दे। A few moments later. बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ओए इतने बड़े? या मैंने सोचा इनको थोड़ी शेप दिला देती हूँ, ऐसे नेचुरली इतने तो है ये। बस मुंबई आते आते एयरप्लेन में बढ़ गए इतने, घर से तो उठते नहीं। कल अक्षय मेरी नेल्स करने आया था, आज मेरे। और ये साथ में इसको खिलाना भी पड़ रहा है, कल वाला केक अभी तो नाखून बड़े हैं ना, और आइसक्रीम। और ये रात वाली आइसक्रीम है जो मैंने रात को उठ के खाई थी, वही खाना तो पूरे स्वाद के साथ। सब सो गए थे जब 12 बजे उठ के। नहीं मैंने कदर करी ना, रूबी जी ने ऑर्डर करा इतने प्यार से, तो मुझे लगा कि इज्जत करनी चाहिए खाने की। क्यों मैंने इज्जत का नाम लेके मैं अपना पेट भरता रहता हूँ। आ गए हम खाने के। नहीं हम मुंबई आके हम ना हमेशा मोटिवेट होके जाते ही है, और फिर हम कनाडा से मस्त अलग बात। रुबी 2 बच्चों के बाद मुझसे ज्यादा फिट है, यार मैं क्या कर रही हूँ। सो अभी हम शूट करने पहुँच गए जिसके लिए आए थे, और फटाफट से शूट कंप्लीट करते हैं। लाल सूट पहन के, इतना चटाक लाल सूट तो मैंने फंक्शंस में भी शायद ही पहना होगा जितना आज पहनना पड़ा, बट चलो लेट्स डू इट। ये जम के बनाओ सेल पे आज हो गया स्मार्ट बाजार। क्या था, भूख लगी है, ले भी ले लेंगे। 6:30 टाइम सही रहेगा। क्या कैब का? कैब ओके, थैंक यू। अभी हो क्या रहा है कि कल की वापसी का भी तो अरेंजमेंट करना होगा ना, कल हम लेट नहीं हो सकते ना। हर कभी कुछ भी बात करती है, कभी केक का ऑर्डर दे रही है, कभी होटल में बात कर रही है। भाई ऐसे ही मेरे को करना पड़ेगा ना, इत्मीनान से बैठ के पूरा दिन प्लान करूं, ऐसा टाइम मेरे पास था नहीं। सो अभी हमारा कैब का भी हो गया है, वैसे तो 7 बजे जाते तो भी चल। और कल केक का हो गया? हाँ, वो तो कब का कर दिया है, बट कल पिकअप का बोल दिया है, वो भी हो गया। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, तो मैं आधा घंटा पहले लेके चल रही हूँ कि सुबह 6:30 निकल जाएंगे। और जो आज रात का इवेंट है वो पता कब तक चलेगा? हाँ, वो आई गेस वो हर बार हमको 1-2 बजे जाते रात के। 1-2 तो फिर भी अच्छा है, 2-3 तो आराम से बच जाएगी उसमें। हाँ चलो, अभी चलो नैना जल्दी जल्दी करो। बस जल्दी से जल्दी क्या करूँ, हमको 8 बजे पहुंचना है और 7 ठीक है ठीक है। अब जाने का टाइम आ चुका है, वैसे मन तो नहीं कर रहा था यार, एक दिन में क्या ही मन भरेगा। और बच्चों को मतलब मैंने तो अच्छे से पकड़ा भी नहीं, बट उससे पहले ही जाने का टाइम आ गया और अभी सब हमको छोड़ने आए हैं। बाय बाय। जो ये कह के आए थे तुम कि मम्मी को सरप्राइज दे रहे हैं, तो सरप्राइज तो थोड़ी देर में भी हो जाता है। थोड़ी देर सरप्राइज दे के निकले अपने काम से थे। चलो मम्मी के लिए तो इतना भी बहुत था। चलो ठीक, इतना भी बहुत था कि तुम आके मिल तो गए। ओके बाय बाय। आपने अच्छा सुनो सुनो, नहीं नहीं पहले कितने लोग आते थे? 1, 2, 3, 4 लोग छोटे, अब कितने? 6 दो बड़े बड़े लोग आए, छोटे दो बड़े बड़े लोग। ठीक है, चलो रुदी जाओ, रजत बैठो गाड़ी में। बाय बाय। रजत कहता कि पहले ईदा को छोड़ना मुश्किल हो गया था, अब जीवा और पहले वेदा को छोड़ना मुश्किल हो गया था, अब जीवा और ईदा हो गया जाना और मुश्किल हो जाता है। चलो
क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। मिलते हैं, मिलते हैं 15 दिन के बाद। बाय मंचिको, बाय। अपने आप को चलो मौसी के साथ बहुत अच्छा लगा, ठीक है चलो बाय बाय। ठीक है कृष्णा, ये तेरे लिए ध्यान रखना नहीं था, ये इसको अपना ध्यान रखना था। कृष्णा फोन भी दे दो, ये भी लगेगा काम आएगा। दिस शॉर्ट ट्रिप्स आर पेनफुल, वेरी पेनफुल। मतलब पता नहीं यार, बच्चों के आने से ना कुछ अलग सा ही फील होता है। जब ये लोग होते थे ठीक है, फिर भी नॉर्मल सा लगता था, अब तो ऐसा दिल में कुछ होता है जाते हुए। अच्छा हाँ, वो जिम के लिए जा रहे थे इसलिए शूज लेके आए थे। सो यस, अब हम निकल चुके हैं अपने इवेंट के लिए। वहाँ पे हम बड़े सुंदर सुंदर तरीके से तैयार होने वाले, फिर आपको तैयार होके दिखाते हैं कि कैसे लग रहे। यहाँ ना काफी देर से ट्रैफिक लगा हुआ था, तो अब रजत तो अंदर बैठ ही नहीं पाया, कहता बाहर जाता हूँ थोड़ी देर में, ट्रैफिक मैनेज करके बाहर आता हूँ, क्या पता ट्रैफिक खुल जाए। चलो चलो चलो, कितना जाम रहता है मुंबई में। ओह गॉड, ओके, गुड इवनिंग जी। तो दिन भर हम आज थे एक शूट पे, जो हमने ग्लिम्सेस थोड़े बहुत शेयर भी किया आप लोगों के साथ, और उसके बाद हम क्विकली गए घर। और इतनी सी देर में मैं जितना खाना खा सकती थी वो भी खा लिया यार, क्योंकि लंच किया नहीं था, इतनी भूख लग रही थी ना। एग्जैक्टली, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था, बिकॉज ऑब्वियसली मुंबई में एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, फिर हमें काम थे, तो आधा आधा दिन तो ट्रैफिक में चला जाता है। अभी भी हमको 2 घंटे लगे ऑलमोस्ट यहाँ पहुंचने में। बट जब हम आ रहे थे तो मम्मी ऐसे थोड़े दुखी से हो गए थे कि तुम आए थे, मुझे सरप्राइज दिया और अपने काम पे चले गए बस मेरे को। बट क्या करें यार, अब ऐसा ही है। हमने एक्चुअली इस इवेंट पे आना भी इसी कारण से चुना था, बिकॉज हमको मम्मी से मिलना था, हमने सोचा दोनों चीजें हो जाएगी, एक पंथ दो काज। एग्जैक्टली, जब हम उस दिन भी आए ना तो मम्मी को ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम आए, मम्मी देखे जा रही है, अच्छा ये सच में आए हो गए। 5 मिनट ये फ्रीज हो गई मम्मी, कुछ पता नहीं चल रहा उनको क्या करूं क्या हो रहा है ना। खाना तो ऑर्डर करियो, तेरा हमेशा का यही होता है, तो पहले खाना ऑर्डर। मुझे बॉम्बे सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद है, और यहाँ का बहुत ही बढ़िया होता है, यहाँ से व्यू। ओ हो, दिन में तो सी व्यू दिखता है यहाँ से, बट अभी यहाँ से पूरा सिटी दिखेगा। ओ माय गॉड, हाँ अभी नहीं पता लग रहा है, रुको मैं मास्टर ऑफ करता। वाओ, नहीं ऐसा लग रहा है कोई, मतलब ऐसा सीनरी है ये पीछे, कितना बढ़िया लग रहा है यार। सुंदर तो बहुत है मुंबई। और हमारा इवेंट है वो नीचे, अभी कोई नहीं आया, हम यहाँ से देख सकते हैं। नहीं वैसे आ तो गए, मैं ऐसे शक्लें देखूं कौन कौन आया है। चुप रहो यार, तुम भी ना, पता नहीं लग रहा है। चलो अब खाना ऑर्डर करो जल्दी से, टाडा वी आर रेडी। बट आज हम कितने देर में रेडी हुए हम मत बोलो, मेरा अलग बताओ अपना अलग बताओ। मैं तो नहाया धोया, ये तो नहाई भी नहीं है, सारी यारी दोस्ती एक तरफ, रजत पर तैयार होने का टाइम अलग अलग बताना पड़ेगा। मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ, बट वी आर ऑन टाइम, और अभी हम खाने का ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, जो हमने ऑलमोस्ट 1.25 घंटे पहले दे दिया था। अलग से लग रहे हैं, नहीं इसमें लाइट पड़ रही है ना एकदम सिर के ऊपर, अभी आ गया, थोड़ा रियल दिखेंगे हम। यस, तो बस अब निकलने वाले हैं, चले चलो, तो खाना खाते हैं और निकलते हैं। 2 सेकंड में हमने जो खाना खाया है ना, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जितना हुआ है अभी खाकर चलते हैं, बिकॉज सबकी कॉल्स आ रही नीचे से। चले In life, for me, I think ever since I was a young girl, I've always done whatever I believed in. उठ जाओ।
We will leave at 6:30. Sure. So you can come around that time. Sure. Yeah. Naina, tumhari coffee. Oh. Utho. तुमने नहाना भी है जाओ तुमने? पहले तुमने बोला था कि पहले मैं नहाऊंगी ठीक है ले A few moments later. Okay, so we are ready. और अब निकलते हैं बैग सारे रेडी है और गाड़ी भी आ चुकी है हमने तो ऑब्वियसली ऑन टाइम होना ही था बट अब देखने वाली बात यह है कि हमारी फ्लाइट ऑन टाइम होती है नहीं बिकॉज यूजुअली डैश में सुबह बोलना भी नहीं चाहती चलो चलते सुबह की फ्लाइट्स का गड़बड़ हो जाता है कई बार तो बस ऐसा ही है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और जितना हमने सोचा था कि हम 7:45 तक निकलेंगे परफेक्ट चल रहे हैं टाइम से 7:30 तक हमको एयरपोर्ट 7:30 तक एयरपोर्ट पहुंचना है बिकॉज हमारी 9:30 की फ्लाइट है और यस चले ना अच्छा ब्रेकफास्ट चलो कितनी देर है गाड़ी को 2 मिनट बोला है ओम नमः शिवाय आज का दिन शुरू हो जाए सब कुछ हो गया है और मुंबई की सुबह मैं पहली बार देख रही हूँ इतनी जल्दी कम्युनिटी मुंबई में सामान सारा पैक हो गया है अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं आ जाओ अच्छा टाइम से रश देखिए ओ भाई लास्ट टाइम मैं इस एयरपोर्ट तब आया था जब मैं घर जा रहा था याद है रोजी दी और तुम छोड़ने आए थे यस तो अभी सुबह सुबह हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि आज हमको जाना है वापस क्योंकि आज बहुत खास दिन है वो है रजत की मम्मी का बर्थडे और जब हम कनाडा में थे ना तब से हम प्लान कर रहे थे कि हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे वैसे सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी प्लानिंग बहुत लंबी है आज वो एग्जीक्यूशन डे आ गया हम उम्मीद करते हैं भगवान जैसा हमने सोचा बस वैसा ही सब कुछ हो जाए और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पहले तो हम आपको दिखा लेते हैं कि हमारी प्लानिंग कब से चल रही है और कैसे कैसे चल रही है मिक्स वेज हो गया पीली दाल हो गया रायता कौन सा रखूँ मिक्स वेज You sure pineapple? नहीं मम्मी आखे नहीं बिल्कुल आइडिया है ना तो तुसा बस बात ही नहीं करनी तुसा मम्मी साथी विश भी नहीं करना चाहे बर्थडे इस दिन जब पहुंच जाने थे ते तीन आखे एकदम सेड़ा होना की ते किया पहुंची गए 20 तारीख का पर चौथे तो अब प्लानिंग होगी मम्मी के बर्थडे की जो मेन रीजन है कि हम सब मिले हैं तो प्लान के हिसाब से कुछ ऐसा होगा कि आप हमसे पहले पहुंच जाओगे आप चाहे तो सुबह के टाइम पहुंच जाओ दिन के टाइम मतलब तेरा भी सरप्राइज रहेगा मम्मी को तुम मत मतलब आप सरप्राइज रखना पर आप हमसे पहले पहुंच के मम्मी को रेडी करवा देना ऐसे बोलना मम्मी फोटोज खींच लेते हैं थोड़ा रेडी होता है ऐसा वैसा कुछ भी और उसके बाद शाम को हम आएंगे क्योंकि मैं और रजत पहुंचेंगे 4 बजे के आसपास हाँ 3:30-4 बजे के आसपास तो उस टाइम पे आप और मम्मी रेडी होने चाहिए ताकि हम जैसी पहुंचे फटाफट निकले क्योंकि हमारे गेस्ट 5 बजे वेन्यू पे पहुंच जाएंगे ठीक है तो इस हिसाब से चलना है हमने ओके डन मुझे तो ना अभी बहुत जोरों की भूख लगी है क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ मुझे भूख लग जाती है और हम तो सुबह 5:30 बजे के उठे हैं और अब तो 8 बजने को आए तो अब हमारा सब कुछ हो गया चेक इन वैकिंग ये सब कुछ अब एकदम फ्री है और टेंशन फ्री भी है तो अब खाना खा लेते हैं मैंने होटल से ही पैक करवा दिया था लो जूस नैना ये फ्रेश है वाटरमेलन और गाजर का जूस नहीं मैंने पी लिया है वड़ा पाव एंड चाय मुंबई से बिना वड़ा पाव खाए जाए ऐसा हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता पहली बार इतना खाली प्लेन देखा है और आज हम आइल वाली सीट पे बैठे हैं मैं यहाँ हूँ ये यहाँ है अभी फ्लाइट में फ्यूल भर रहा है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रात को तो हम 2:30-3 बजे फ्री हुए थोड़े बिजी थे इसलिए आपको सुबह कॉल नहीं कर पाए अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए तो मैं उससे पहले कॉल ही लगा लेती हूँ रजत भी अपनी प्लेट लेने गया था वही बोल के गया कि मम्मी ने कॉल कर लिया बर्थडे वाले दिन परांठे कौन खाता है कुछ सेलिब्रेट करो कुछ तो करो बर्थडे के दिन रजत बोल रहा है अच्छे से रेडी हो और हमको फोटोज भेजो लो बात ही कर लो आप रजत अनाउंसमेंट हो रही है जल्दी काटो ओके मुझे तो इतना डर लग रहा था ना कि अब तो गए ये कल रात बहुत लेट सोए थे और सुबह भी जल्दी उठना पड़ा इसलिए हमने फ्लाइट में जो सोने पे जोर दिया आहा कई बार जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाती मैं अपना कैबिन बैग ही भूल गया था फ्लाइट में वापस गया उसको लेकर आया और अब नैना आगे चले गई है मैं भागता हूँ सो अब
अभी हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बट अभी जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हम आधा पौना घंटा लेट हो गए एयरपोर्ट से ही। तो अब हम यहाँ से थोड़ा बता दीजिए और चलेंगे और बिना ब्रेक के घर जाएंगे। आज भी हम लंच नहीं करेंगे, डायरेक्ट घर पहुँच के ही करेंगे। भेजो जी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, हम ना देर करी काके। हम भी बस अभी लैंड हुए यार, थोड़े से लेट हो गए हम। हाँ, बाकी केक भी रेडी है, तो वो भैया कब लेके ले जाएंगे वहाँ से केक? ओ भाई साहब, गाड़ी की हालत कैसे जाएंगे अभी? मत करने है ना, अभी साफ नहीं होएगा। हाय, वो छोटे वाला बैग कहाँ रखा है? वो आगे हो गया। चलो चलो जी, चलो 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 चलो, बाय। तू क्यों नहीं चल रही है? चल ठीक है, बाय बाय। ऐसा लग रहा है अवन में लग दिया वो। कोई स्टार्ट भी नहीं हो रही है तो फिर से तो नहीं बैठती, सच बोलो। आई स्वेयर स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये क्या सीन है? पता नहीं यार, बैटरी रखे बैटरी तो नहीं गई इसकी। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि चलो बस अब तो हो गया, उसी टाइम कुछ सेप्पा पड़ जाता है। अब क्या करे? हाँ, बैटरी गई। कुछ नहीं, आपके धक्के दूं गाड़ी को। A few moments later. नहीं, पहाड़ी इलाके में तो बहुत अच्छा है, बंद भी होगी तो यू टर्न मार के स्टार्ट हो जाती है। पर अगर कई बार ये तो क्योंकि चलते नहीं ना, फिर तो खाई में भी जाते हैं। पसीने से नहा गई हो तुम। तुम अपना हाल देखोगे तो तुम पता चलेगा मैं नहीं हूँ। ओहो भाई साहब, मजेदार है। जब लाइफ में थोड़ी बहुत ऐसी परेशानी आए प्यारी प्यारी सी, तो अच्छा लगता है। चलता है, जीना इसी का नाम है। सही में, तभी अगर तो सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा ना, तो वो मजा आसान नहीं आता है। जब कुछ ऐसा होता रहे लाइफ में, तब लगता है अच्छा लाइफ इंटरेस्टिंग चल रही है। मम्मी खुले वालों में बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि मम्मी को हमेशा यही होता है, नहीं बांध लेती हूँ बांध लेती हूँ, छोटा सा क्लिप भी लगाएंगे ना अगर वो, तो बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे तो गर्मी से इतने बुरा हाल हो गए ना, बोले भी नहीं जा रहा ढंग से, बहुत हो रहा है। अब घर पे ही देखेंगे, अगर आप कुछ रख सकते हो जुगाड़ तो रख लेना। सो अभी हम गाड़ी को चेक कराने के लिए आए हैं, क्योंकि इसकी बैटरी का आई गेस कुछ इशू है। और अभी देखो मेरे नाक पे कैसे दाग आ चुका है। हम बिल्कुल भी रास्ते में कहीं नहीं रुके थे, नॉन स्टॉप आए। और ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाहर उतर के अंगड़ाई वगैरह भी ले लेती हूँ। गाड़ी बंद कर दी, अगर अब स्टार्ट नहीं हुई ना तो कसम से यार, पूरे रास्ते हम इसी डर से कहीं पे भी नहीं रुके, बस नॉन स्टॉप चल ही रहे थे। क्योंकि अगर एक बार बंद कर दो तो फिर वो स्टार्ट नहीं होनी थी। अब देखते हैं, अब यहाँ तो कुछ हो ही जाएगा आई गेस। बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, लीकेज है उसके कारण ड्रेन हो रही है बैटरी। तो जो गाड़ी में इशू था बैटरी का, वो तो सॉल्व हो गया, क्योंकि बैटरी चेंज कर दी है। और नैना गई है थोड़ा बहुत सब्जी भाजी लेने घर के लिए, और थोड़ा बहुत उसको और भी सामान लेना था, तो आगे चली गई है। बस अब गाड़ी रेडी होने वाली है, तो मैं उसको पिक भी करता हूँ और घर भी निकलते हैं। चले, सॉरी ज्यादा टाइम लग गया। तो पैदल पता मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। हाँ, अब तो तुमको यहाँ का आइडिया लग गया है, अच्छी वॉक हो गई गर्मी में। शिवानी दीदी ने घर पे ना मम्मी पापा को ऐसे बोल रहे, मैं टैक्सी अरेंज करती हूँ कहीं बाहर घूमने चलते, तो शिवानी ने अरे ये क्या कर रहे हो, सॉरी मुझे ही टैक्सी वाला बना के फोन किया, भैया आप कितने बजे तक पहुँचेंगे? तुम फंसवाओगे। अरे कुछ नहीं होता यार, दो बच्चे वो भी ले जाओ, नहीं गुस्सा करते कि इतने सारे इकट्ठे कर दिए, इतने गमले फिर इतने पौधे। अरे बाप रे बाप, जितना जल्दी सोच रहे हो उतना ये आज तक नहीं देखी थी मैंने, कहाँ से आ गई है। अरे पर कितनी प्यारी है, कोई नहीं आराम से निकलो अब। लेट तो हो गए।
सो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, एकदम गेट के बाहर हमने गाड़ी लगा दी है, अब हम अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ये प्लान किया ना कि मम्मी का बर्थडे ऐसे ऐसे करना है, इसके पीछे हमारा क्या आइडिया था, ये था कि ना मम्मी कभी अपने भाई बहन को कभी अपने घर नहीं बुला पाए, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, फिर मामू मासियाँ वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, तो इन लोगों को ना जैसे बचपन में होता था ना, साथ में रहते थे और मस्ती करते थे, उस सब के लिए टाइम ही नहीं मिला और मम्मी ये टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो मैं और रजत के दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना ये टाइम इनका फिर से वापस लाया जाए। तो आज की पार्टी कुछ ऐसी होने वाली है, बट जब ये एक्चुअल में पार्टी होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, और अगर हम तब तक के लिए वेट करेंगे तो ये आज वाला व्लॉग लेट हो जाएगा, इसलिए हम वेट नहीं करेंगे और आपको जल्दी से व्लॉग दे देंगे। तो इसलिए आज वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें हमें, कॉमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर लो हमारी वीडियो को जितना आपका मन चाहता है, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि घर पास में ही हो, वहाँ तक मेरी आवाज़ चली जाएगी। सो बाय, सी यू सून।